रानीखेत के सदर बाजार के बीच देर रात एक दवाई की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच आग को बुझाने का काम किया। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि ये आग दुकान के आसपास अन्य दुकानों में नहीं फैली। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकान का करीब 5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। मैं यहाँ 12:30 बजे आया, जब तक आग लग चुकी थी। जो यहाँ के दुकान के परिचित लोग थे, सब बाजार के लोग, सब घर पे आए, दरवाज़ा खटखटाया, तब तक शटर वटर सब टूट चुका था, पूरी दुकान ख़त्म हो चुकी थी। ये शॉर्ट सर्किट से हुआ, क्या हुआ भगवान जाने पता नहीं, और सायरन भी नहीं बजा, हमें पता ही नहीं चला, पूरी दुकान ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा हमारे। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए रानीखेत से नंद किशोर गर्ग की रिपोर्ट।